दलाल, माननीय जीपी दलाल राज्यपाल शपथ लेने महोदय जा ने रहे हैं, ये जानकारी आदरणीय बनी हुई है। मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर कृषि मंत्री श्री जयप्रकाश जेपी दलाल पिछली कैबिनेट का राज्य के थे, मंत्री के पद उनको पर अब एक बार फिर से शपथ दिलाई जा रही है। तो जयप्रकाश दलाल, जेपी दलाल कृषि मंत्री, एक बार फिर से पूर्व कृषि मंत्री एक बार फिर से शपथ लेने जा रहे हैं, क्या फिर से यही कृषि मंत्रालय दिया जाएगा या फिर कोई और बदलाव किया जाएगा? ये भी बड़ी बात है, बड़ा सवाल है, देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तो तय है कि मंत्रिमंडल में जगह मिल रही है। तमाम हम जिक्र कर रहे हैं पुराने साथियों का, अभी तक उन्हीं सबसे पहले पुराने वाले जो कैबिनेट के साथी थे उन्हीं को ही जगह दी जा रही है। तो शपथ लेने के लिए पहुंच गए पद और गोपनीयता की जेपी दलाल साहब, तस्वीरें आपके सामने, और अब शपथ दिलवा रहे हैं राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। मैं जयप्रकाश दलाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जयप्रकाश दलाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष अपरोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो शपथ ले चुके हैं जेपी दलाल, पूर्व कृषि मंत्री। अब क्या पोर्टफोलियो इनके पास रहेंगे, क्या अहम जिम्मेदारी इनको दी जाएगी पार्टी की तरफ से, ये बड़ा सवाल है। और आप देखिए, अभी तक भी जिन भी नेताओं को शपथ दिलाई गई है वो तमाम पुराने ही कैबिनेट के साथ ही रहे हैं, पुराने ही नेता थे, उनको एक बार फिर से अब शपथ दिलाई गई है। तो कोई नया चेहरा अभी तक तो देखने को नहीं मिला है इस मंत्रिमंडल में। अब क्या आगे नया चेहरा देखने को मिलेगा, कौन सा जो वो चेहरा होगा जिसको शामिल किया जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन जेपी दलाल ने शपथ ले ली है, अपनी फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, अपने जिम्मेदारी को अब किस तरीके से आगे निभाएंगे, ये बड़ा सवाल है। और आप देखिए, जिस तरीके से कृषि मंत्रालय उनके पास था, किस तरीके से किसान भी लगातार परेशान रहते थे, अक्सर तमाम तरीके की चीज़ों को लेके आरोप भी लगाते थे, हर परिस्थिति का कैसे सामना करना है, कैसे तमाम चीज़ों को सॉल्व करना है, इतना बड़ा मंत्रालय, इतनी बड़ी समस्याएं किसानों की, कैसे उनकी आय दोगुनी करनी है, कैसे उनको खराब फसलों का मुआवजा दिलवाना है, कैसे उनको दूसरी खेती की तरफ बढ़ावा देना है, क्या किया जाए, कैसे किस तरीके से किसानों की परेशानियों का हल हो, तमाम ऐसी चीजें हैं जो एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ निभाने की कोशिश हालांकि की गई थी। और लगता है उस कोशिश से पार्टी आलाकमान काफी खुश भी था, सकारात्मक तमाम चीजें रही, और इसीलिए मौका एक बार फिर से दिया गया है, बतौर मंत्री शपथ दिलाई गई है, कैबिनेट में एक बार फिर से शामिल किया गया है।